ਕੱਟਦਾ ਨੀ ਗੇੜੇ ਲਾਵੇ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ नमस्कार, आप देख रहे हैं MH1 न्यूज। मैं हूं पूजा और अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज हमारी आपकी एक बहुत ही आम समस्या के बारे में। वो समस्या है आपकी हमारी स्पाइन से जुड़ी हुई। कई लोगों को सर्वाइकल पेन होता है, कमर में दर्द होता है। इन तमाम चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे अपने इस स्पेशल प्रोग्राम में जिसका नाम है स्पाइन क्लिनिक। अगर आप कमर दर्द या कंधे में दर्द से परेशान हैं तो आप सावधान हो जाएं। ये दर्द आपके बिगड़ते लाइफस्टाइल का नतीजा हो सकता है और अगर सही इलाज नहीं किया गया तो लंबे वक्त तक आप परेशान रह सकते हैं। स्लिप डिस्क से सावधान। कमर दर्द करता है परेशान, कंधे में रहता है लगातार दर्द, तो जरा संभल जाएं। जी हाँ, अगर आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कमर, पीठ या कंधे में लगातार दर्द रहता है तो समझिए कि ये खतरे की घंटी है। आज की तनाव भरी जिंदगी और अनियमित लाइफस्टाइल का बोझ आपकी रीढ़ यानी स्पाइन पर पड़ने लगा है। ये दर्द शुरुआत में भले ही मामूली लगे लेकिन इसे नजरअंदाज करना काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे रीढ़ में टेढ़ापन, स्पाइन इन्फेक्शन, स्पाइन में ट्यूमर या स्लिप डिस्क हो सकता है। दरअसल हड्डियों में धीरे धीरे आने वाली खराबी को समझ पाना आम आदमी के लिए काफी मुश्किल होता है। ऑफिस के आरामदेह माहौल और काम करने के लंबे घंटों की कीमत शरीर को चुकानी पड़ती है। स्लिप डिस्क या रीढ़ से जुड़ी दूसरी बीमारियों की शुरुआत मामूली दर्द से होती है, लेकिन देसी इलाज करके हम फौरी निजात पाना चाहते हैं, पर यह लापरवाही पड़ सकती है काफी महंगी, क्योंकि मामूली सा ये दर्द आपको उम्र भर कर सकता है परेशान। ऐसे में अगर आपके परिवार में किसी को भी ये लक्षण नजर आते हैं तो आपको फौरन जांच कराने की जरूरत है। पीठ, कमर या कंधे में लगातार दर्द, पैरों का सुन्न पड़ना, हाथों में दर्द रहना, ये लक्षण खतरे की घंटी है। वैसे तो कमर दर्द और पीठ दर्द जैसी बीमारियां किसी को भी किसी उम्र में हो सकती है, लेकिन महिलाओं और बढ़ती उम्र के लोगों को ये आसानी से शिकार बना लेती है। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि शुरुआत में ही इन लक्षणों को समझा जाए और समय रहते ऐसे उपाय किए जाएं जिससे ये ताउम्र का दर्द ना बच जाए। पूजा शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज, दिल्ली। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनोज शर्मा। डॉक्टर मनोज शर्मा जो है सीनियर सर्जन है जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच। तो जिस तरीके से आपने हमारा ये पैकेज देखा, इसमें प्रॉब्लम्स के बारे में हमने बहुत शॉर्ट में बताया कि आपसे हम डिटेल में जानना चाहेंगे किस तरह की स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है गर्दन से लेकर के कमर तक। देखिए, जैसे कि आपको पता है हमारा स्पाइन ऊपर हमारे सर से लेकर यानी कि गर्दन से लेकर और लोअर बैक हमारे दोनों हिप तक हमारा स्पाइन है, और हमारा स्पाइन में 33 हड्डियां होती हैं और इन हर हड्डी के बीच में डिस्क है, तो हमारा स्पाइन काफ़ी लंबा है ऊपर से लेकर और हमारी लोअर बैक तक, राइट। नाउ इसमें समस्या क्या है कि हर उम्र में अलग अलग समस्याएं आती हैं, जैसे कि बच्चों की प्रॉब्लम्स अलग हैं, यूथ की प्रॉब्लम अलग है, ओल्ड एज की दिक्कतें अलग हैं। जैसे कि आपने अभी जोर दिया एक बीमारी पर जिसका नाम है स्लिप डिस्क। तो स्लिप डिस्क एक ऐसी बीमारी है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमारे रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियां हैं और हर एक हड्डी के बीच में डिस्क है। नाउ ये जो डिस्क है ये एक रबड़ की तरीके से होती है, और अगर हम सामने झुक के सामान उठा रहे हैं या गर्दन के डिस्क अगर हमारा ऐसा पेशा है जिसमें कि हमको सर को झुका के करना पड़ता है काम, तो कई बार ये डिस्क पीछे से स्लिप होकर बाहर आके हमारी नसों को दबाने लगती हैं, जिससे कि गर्दन से हाथ तक दर्द जाता है या फिर कमर से पूरे पैर में दर्द जाता है। तो ये स्लिप डिस्क एक समस्या थोड़ी सी गंभीर इसलिए है कि अगर इसको आप सही रहते वक्त में नहीं इसका इलाज हो तो फिर इसमें आमतौर पे ऑपरेशन करना होता है, और जैसा कि आपको पता है कि पुराने वक्त में ऑपरेशन काफ़ी जो है बड़े ऑपरेशन होते थे और लोग बाग घबराते थे कि ऐसा ना हो कि स्पाइन के ऑपरेशन के बाद वो कभी भी चल ही ना पाएँ या बहुत ही लंबे टाइम तक के लिए रेस्ट या इस तरह की चीज़ करनी पड़े, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है।
आजकल इसके सॉल्यूशंस बहुत ही सिंपल हो गए। सब सॉल्यूशंस पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अच्छा। हम प्रॉब्लम्स पे जाना चाहते हैं, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता कि रीढ़ की हड्डी की दिक्कत किस वजह से होती है। लोगों को लगता है हम तो बिल्कुल ठीक चलते हैं, ठीक बैठते हैं, ठीक जो है हमारा पोस्चर रहता है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि वो कहाँ गलती कर जाते हैं। देखिए, दरअसल होता क्या है कि हमारे रीढ़ की हड्डी में, बल्कि आई विल से 85% प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि सिर्फ पोस्चरल या लैक ऑफ एक्सरसाइज या हमारी वीकनेस, हमारी रीढ़ की हड्डी की बोन्स की वीकनेस, उनकी मसल्स की वीकनेस और रोज़ जो मर्रा के काम है, एंड स्पेशली फीमेल्स में जो हाउसवाइफ हैं जिन्हें ज़्यादा एक्सरसाइज करने का या तो ध्यान नहीं है या उनके पास टाइम ही नहीं है, तो ऐसे एक्चुअली लोगों में क्या क्या होता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो है उसकी मसल्स दे बिकम वेरी वीक, और वीक होने से होता क्या है कि थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा वर्क अगर किया उन्होंने, जैसे कि कपड़े वपड़े धो लिए, या सपोज उन्होंने, आजकल शौक है लोगों को इफ़ दे गो टू जिम, तो जिम और इस तरह की एनी एक्टिविटी जो कि उनकी नॉर्मल एक्टिविटी से ज़्यादा है, उससे थोड़ा सा हमारे स्पाइन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आता है एंड दे स्टार्ट हैविंग बैकएक। तो हमारे ज़्यादातर प्रॉब्लम बैकएक की लैक ऑफ एक्सरसाइज, वीकनेस इन द मसल्स, वीकनेस ऑफ द बोन्स, मतलब हमारी कमजोरी मसल्स और बोन्स की, और पोस्चर। नाउ पोस्चर की जहाँ तक बात है, जैसा कि आपने कहा कि आजकल के पेशे में, सेडेंट्री लाइफस्टाइल में ऐसा काम होता है, कंप्यूटर वगैरह में हमें नीचे सर करके करना पड़ता है काम, तो बेहतर यह है कि उस पोस्चर की एक हिदायत भी देता चलूं कि जब भी कोई काम आप करें तो हमेशा आपका या तो आपका कंप्यूटर आपकी आँख के लेवल पे हो या आपकी चेयर लो हो, जिससे कि आपका जो हेड है वो कंप्यूटर के लेवल पे हो, जिससे कि आपका सर हमेशा झुका ना रहे काम को करते वक्त, पहली चीज़। सेकेंड चीज़ यह है कि जब भी आप लंबा काम, अगर आपका इस तरीके का अगर पेशा है, तो फिर आपको रेगुलर नेक की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिसे हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं, वो आप हमेशा करते रहें दिन में कम से कम दो बार, जिससे कि मसल्स आपके अगर स्ट्रांग हैं तो फिर अगर सर को झुकाने वाले भी काम है तो कोई दिक्कत नहीं पेश आएगी आपको, पहली चीज़। और कमर के लिए भी ऐसा ही है कि अगर आपका ऐसा पेशा है, नंबर वन, एक तो आप स्मोकर अगर हैं तो यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, बिकॉज स्मोकर्स का कमर दर्द ठीक होना बहुत ही दिक्कत वाला काम है, तो स्मोकिंग आप बंद कर दें, वेट आपका कम हो, रेगुलर आप एक्सरसाइजेस करें, रीढ़ की हड्डी की बोन्स को जो है मजबूत करने के लिए रेगुलर कैल्शियम इंटेक, जो कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे पनीर और दही, ये सब चीज़ों का सेवन आप करें, और रेगुलर रीढ़ की हड्डी की आप एक्सरसाइजेस करें, जिसमें कि एक सिंपल एक्सरसाइज है, आप अपने पेट के बल लेट के अपने दोनों हाथ और पैर को ऐसे धनुष के तरीके से आप उठाइए और उसको थोड़ी देर तक रोक के रखें। तो ये सब एक्सरसाइज और नॉर्मल डाइट, अच्छे पोस्चर के बाद फिर रीढ़ की हड्डी के दर्द की संभावना घट जाती है। जी, ये तो आपने बताई जो 85% लोगों को प्रॉब्लम है, 15% कौन से वो लोग होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम रहती है? अच्छा, देखिए 15% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर प्रॉब्लम थोड़ी सी गंभीर हो जाती है, गंभीर इन द सेंस कि वो नॉर्मल मेडिसिन से, एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपी से, इंजेक्शन से उसका ठीक होना संभव नहीं है, और ये एक्चुअली 15% लोग वो हैं जो कि फिर हमारे पास आते हैं एक स्पाइन के स्पेशलिस्ट के पास, क्योंकि 85% लोग तो एक जनरल फिजिशियन के पास और हर टाइप के फिजिशियन के पास जाते हैं, लेकिन 15% लोग जो कि जिनमें कि बहुत ही लंबे अरसे तक जिनको कि कमर में दर्द होता है और जिनकी वजह से उनको प्रोफेशन में दिक्कत रहती है एंड दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, ऐसे लोगों को फिर हमारे पास आना पड़ता है, जिसमें कि फिर हमें बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस करने होते हैं, जैसे कि MRI, ब्लड टेस्ट, और इनमें फिर वो बीमारियाँ हैं जैसे मैंने आपसे कहा स्लिप डिस्क है, फ्रैक्चर्स हैं, हड्डियों के ट्यूमर्स हैं, इन्फेक्शन है, जैसे कि TB कॉमन है बहुत बच्चों में और यंग यूथ में, एंड जैसे मैंने आपसे, और ओल्ड एज में स्पेशली फ्रैक्चर्स, हमारे ऑस्टियोपोरोसिस आजकल की बीमारी है, जिसमें कि आपको सुन के बड़ा अचंबा होगा कि हमारे पोस्ट मीनोपॉजल ऑलमोस्ट 70-80% फीमेल्स ऑस्टियोपोरोटिक हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि हार्मोन्स की कमी के कारण, बिकॉज फीमेल्स में मीनोपॉज 45 ईयर्स की एज में होता है, और उसके बाद ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से हमारी बोन्स जो हैं दे बिकम वेरी वीक, और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा झुक के सामान उठाने में यू कैन हैव ए फ्रैक्चर, तो ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर अगर ना भी हो तो ऑस्टियोपोरोसिस से कमर में दर्द। जो महिलाओं की आप बात करें, एक बहुत कॉमन सी बात जो मेरे सुनने में आती है कि जब भी डिलीवरी होती है स्पाइन के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है, तो उससे महिलाओं को लगता है कि पूरी जिंदगी जो है उस दर्द को झेलना होगा, क्या ये बात सही है या मिथ है? नहीं, ये सब मिथ है, ये सब बेकार। एक्चुअली क्या, हिंदुस्तान में लोगों की एक आदत होती है कि जब भी, जैसे कि सपोज करो आपके हाथ में कभी चोट अगर आई है, कभी भी बचपन में कभी
तो उसके बाद कोई भी चीज़ अगर उस एरिया में होगी तो वो हमेशा उसको कोरिलेट करेंगे उस चोट के साथ में। तो ऐसे कमर में इंजेक्शन जो है वो एक बड़ी सिंपल सा एक इंजेक्शन होता है जो कि रीढ़ की हड्डी में नहीं बल्कि रीढ़ की हड्डी के बीच में लिगामेंट्स होते हैं और उस लिगामेंट्स के बीच में होता हुआ वो रीढ़ की हड्डी में जो नस है उसके अंदर जाता है जिससे कि पेशेंट को डिलीवरी के समय कोई दर्द ना हो। तो वो किसी भी हड्डी को तो छूता ही नहीं है वो तो लिगामेंट्स के बीच में और एपिड्यूरल स्पेस होती है या स्पाइनल एक चीज़ होती है जिसमें कि वो रीढ़ की हड्डी में पानी होता है पानी में लगाते हैं तो उससे कोई सारी उम्र कमर में दर्द होने के और वैसे भी उसकी जो नीडल होती है वो बहुत ही पतली नीडल 16 गेज समझ लीजिए आपकी 1 मिलीमीटर की भी तिहाई नीडल है वो बहुत पतली सी नीडल तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसके बाद हमेशा दर्द। डॉक्टर साहब आपसे बातचीत हम ये जारी रखेंगे लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हम डॉक्टर मनोज से जानेंगे ट्रीटमेंट के बारे में कैसे हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक। आम बैटरी से परेशान? केसी बैटरीज, बैटरी दमदार, चले लगातार।